बड़ी खबर चंडीगढ़ से आपको बता दें, हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक खत्म हो चुकी है। ये बड़ी और अहम जानकारी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की है और बैठक में कई फैसले लिए गए हैं। बता दें आपको, हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक अब खत्म हो चुकी है, तो बड़ी और अहम जानकारी, कई अहम फैसले लिए गए हैं हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में। बता दें आपको, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा समेत कई विभागों के अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। फिलहाल बैठक अब खत्म हो चुकी है। हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा समेत कई विभागों के अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। और पवन सिवर हमारे वरिष्ठ सहयोगी ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। पवन, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई, क्या कुछ बैठक में फैसले लिए गए, जानकारी सामने आ पाई? बिल्कुल, देखिए, हरियाणा हाई पावर परचेज कमेटी की आज बैठक हुई है और इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद रहे हैं। इसके अलावा बैठक में हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जो है वो शामिल थे। हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में जो सरकारी स्कूलों में बच्चों को टैबलेट दिए जाने हैं, करीब 5 लाख टैबलेट जो है वो बच्चों को दिए जाने हैं, उनके लिए जो करीब 5.5 लाख जो सिम खरीदनी है उनको मंजूरी दी गई है। 60% सिम जो है वो एयरटेल की खरीदी जाएगी, 40% सिम जो है वो जियो की खरीदी जाएगी। इन दोनों कंपनियों की सिम की खरीद को आज मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही बिजली विभाग में जो खंभे जिनका इस्तेमाल जो होता है, उन खंभों के लिए जो है वो आज खरीद को मंजूरी दी गई है। करीब 30 करोड़ की ये खरीद है, यानी जो बिजली विभाग की जो खंभों की खरीद है उसको भी मंजूरी मिली है। तो ये आज इस तरीके की कई जो सरकारी खरीद है उनको मंजूरी दी गई है। जी बिल्कुल पवन, कई विभागों के लिए अहम खरीद मंजूरी दी गई है। बने रहिए आप हमारे साथ। तो बता दें आपको, बड़ी और अहम जानकारी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक हुई।